बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, आज का जो बेटा जी हमारा टॉपिक है वो मैं आपको जरा पहले यहाँ से बता दूँ। टॉपिक हमारा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कुछ अगर याद होगा आप लोगों को तो उसी से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने क्लासेस ऑफ केमिकल्स के मतलब बात की थी। किसको याद है कितनी क्लासेस हैं केमिकल्स की, कौन कौन सी हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में? आपने नहीं बताया। क्या हुआ? काफी क्लासेस हैं। काफी क्लासेस हैं, कौन कौन जी सी? सर बताएं। सर फर्स्ट में आपने बताया था ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्लासेस बताई थी यार मैंने। यस सर बताई थी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स थे, फ्यूमेबल्स थे, उसके हैलोजन्स थे, बेसिस थी, हैलोजन्स थे, गैसेस थी, ठीक है ना? तो वो सारे केमिकल्स थे। अच्छा, अब वो जो केमिकल्स हैं उनकी हैंडलिंग कैसे होगी, उनको स्टोर कैसे किया जाएगा और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी, इसके मुतालिक हम थोड़ी सा जाना आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भेजूंगा आज, तो ये आप लोग इसको पढ़ेंगे एक्चुअली, तो फिर आपको ये सही से समझ आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट इसमें से जो क्रक्स पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ये सारी फाइल्स जितनी भी है ना ये आप लोग पढ़ेंगे इनको। पढ़ेंगे ओके। अच्छा जी, चले हम इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले इसके स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक हो गया? एक बना वो जो अपना ड्राई की बोतल है ना, वो सबसे ऊपर कोई या व्हाइट कलर की फर्स्ट वाली, वो पका दे। हाँ बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, सबसे पहले हम इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, केमिकल्स की स्टोरेशन, उसको स्टोर कैसे करना है और ट्रांसपोर्टेशन उसकी कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है ना हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, अच्छा चले इसके पहले अगर मैं आप लोगों को एक कैमरा ऑन करके एक मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों को कुछ बॉटल्स नजर आ रही हैं, आ रही है सबको? आ रही है। इन तीनों बॉटल्स के ऊपर एक एक या दो दो पिक्टोग्राम्स बनी हुई है। पहली बॉटल के ऊपर कौन सी पिक्टोग्राम है जिसके ऊपर मेरा हाथ है इस वक्त, आप में से बताएगा, इसमें बताएगी, इसको मैं कौन सी पिक्टोग्राम में बेटा देख सकता हूँ? ये दूर है काफी। सर वीडियो क्वालिटी नहीं ठीक। सर चलाएगी क्या वो? अब ठीक है? यस सर। बताओ कौन सी पिक्टोग्राम है? ये सर पता नहीं। पता नहीं, कोई और बताना पसंद करेगा जिसको बताइए कौन सी पिक्टोग्राम है? थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो। आपको ये बिल्कुल नजर आनी चाहिए क्या बना हुआ इसके ऊपर। आप नीचे जो लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश ना करें, जो ऊपर पिक्चर आपको नजर आ गया उसको देखें ना।
सात से सिर्फ 7 पिक्टोग्राम्स मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी जस्ट, और आपने अभी तक वही याद नहीं की। सर वो देखी थी, ये तो सर तीन इकट्ठी हैं, वो देखी थी। कौन सी, कहाँ पे तीन इकट्ठी हैं? साइड पे। ये एक पिक्टोग्राम है ये वाली बस, ये किस चीज की पिक्टोग्राम है? अच्छा चलो रुक जाओ एक मिनट के लिए। ये आपको बकायदा ये अच्छे से नजर आ रही होगी। इसको ऐसा करता हूँ, इसको ना मैं ऐसे उठा लेता हूँ। आप ये बताओ कौन सी पिक्टोग्राम है? सर ये ऊपर वाली तो फ्लेमेबल, फ्लेमेबल है, वेरी गुड। और नीचे वाली? नीचे वाली कौन सी है? Corrosive की है, very good। तो ये दो पिक्टोग्राम तो ये हो गई, एक इसके ऊपर पिक्टोग्राम है, ये कौन सी है? मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा। ये क्रॉस जो लगा है, ये क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस किस चीज की पिक्टोग्राम है? डोंट टच मी बेटा जी, लिटरल भी होनी थोड़ी बहुत कुछ नहीं। इनको पिक्टोग्राम्स को फिर से देखें सारे स्टूडेंट्स एक दफा, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी पिक्टोग्राम्स का पता होना चाहिए जी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में फिर से जो नेक्स्ट वीक होगी उसके अंदर मैं आपको फिर से ये दिखाऊंगा, और देखने के बाद आप फिर मुझे बताओगे। अच्छा हाँ, जो भी केमिकल है उसके ऊपर एक तो ये पिक्टोग्राम बनी होगी। हेलो जी स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, मैं आपको बता रहा था कि हाँ जो आपके पास लैब के अंदर जो भी केमिकल है एक तो उसके ऊपर ये पिक्टोग्राम बनी होगी, और उसके साथ उसके ऊपर कुछ लिखा भी होगा उसके मुतालिक कि ये पिक्टोग्राम डिपिक्ट क्या कर रही है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद एक और चीज लिखी होगी उसके ऊपर, एक मैंने आपको बताया था कि डिटेल्स भी थोड़ी सी लिखी होंगी। उस डिटेल चार्ट को जो है ना हम SDS शीट बोलते हैं, सेफ्टी डेटा शीट उसको कहते हैं। तो वो सेफ्टी डाटा शीट एक उसके ऊपर बनी होती है, ठीक है ना। उस सेफ्टी डाटा शीट के अंदर एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इस केमिकल के साथ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को डील हम कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके मुतालिक पूरा जो ना वो SDS उसको बोलते हैं, सेफ्टी डाटा शीट। अच्छा इसके अलावा ना यहाँ पे एक और चीज होती है, एक इसके ऊपर कोडिंग लिखी होती है, ठीक है। वो पाकिस्तान में कोडिंग अभी तक यूज नहीं हो रही, वो कोडिंग है GHS के नाम से, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम के नाम से। अभी तक पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट नहीं किया हुआ, पाकिस्तान 2023 तक उसको अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अडॉप्ट उसको प्रॉपरली नहीं किया। वर्ल्ड के मेजोरिटी कंट्रीज ने जो GHS सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसके होते हुए क्या होता है कि हर जो प्रोडक्ट है उसको एक कोड मिला जाता है, वो कोड पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट के लिए सेम है। समझ आ गई है ना, ठीक हो गया। तो वो कोड जो है वो दूसरा हर बॉटल के ऊपर या हर केमिकल के ऊपर वो कोड लिखा होता है। तो आपने क्या करना है कि जो सिमिलर काइंड के आपके पास अवेलेबल हैं केमिकल, उनको आपने एक जगह पे सेव करना होता है, और जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट लोकेशंस पे सेव करना होता है। इसी तरीके से ये कहाँ चली गई, मैं आपको बता दूंगा, ये आ गई, ये वाली आ गई आपकी जो है ना SDS सेफ्टी डाटा शीट। ये कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे से दिखा देता हूँ इसका एक जो है ना सैंपल के तौर पर। इसको आपने जस्ट इससे ओवर थ्रू हो जाना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाती है, अभी भी आपको बताता हूँ, ये आ गई।
ये आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सप्लोजिव है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ओके ओके, जैसे कि एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये चीजें लिखी होगी, हैजर्ड कैटेगरी लिखी होगी, उसके बाद सिग्नल वर्ड लिखा होगा, हैजर्ड स्टेटमेंट लिखी होगी। ये H2000 है, हैजर्ड स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल एक्सप्लोसिव है, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर इसकी प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये चीजें यूज नहीं की जाती, लेकिन इंटरनेशनली कोई भी केमिकल होगा, किसी भी लैब में होगा, तो उसके ऊपर ये SDS जो है वो शीट उसकी लाजमी मौजूद होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये फायदाबल इस शीट के अंदर क्या होगा, इसमें पहले प्रिवेंशन लिखी होगी, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स लिखा होगा जो आपने रिस्पॉन्स करना है, स्टोरेज कंडीशंस का लिखा होगा और डिस्पोजल का लिखा होगा। ये चार चीजें होंगी SDS के अंदर। तो अगर आपसे आपको पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल HCl है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उस वो उसके लिए कौन सी वाली SDS शीट चाहिए हमें, तो उसके लिए चूंकि जो HCl है वो क्रोजिव होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ से जो क्रोजिव की शीट है वो हम यूज करेंगे, ठीक है जी। जो यहाँ से क्रोजिव वाली शीट है वो यूज होके, तो उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जो कि जैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ गए, गैसेस आ गई, फ्लेमेबल लिक्विड्स आ गए, फ्लेमेबल लिक्विड जो भी चल रहे हैं, इसके बाद आ गए जी ये सेल्फ रिएक्टिव हैं मिक्सचर्स, उसके बाद सॉलिड्स हैं, उसके बाद सेल्फ हीटिंग सब्सटेंस हैं, ठीक है जी, फ्लेमेबल्स हैं, फ्लेमेबल गैसेस हैं, ऑक्सीडाइजिंग लिक्विड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक पर्ऑक्साइड हैं, ऑर्गेनिक पर्ऑक्साइड चल रहा है अभी तक, ये आ गया क्रोजिव टू मेटल्स। तो क्रोजिव के लिए जो ये पिक्टोग्राम आपने देखी होगी, ये पिक्टोग्राम होगी, और इसके ऊपर ये जो है ना सारी इसकी SDS शीट बनेगी, जिसके अंदर हैजर्ड कैटेगरी कितनी है इसकी, क्रोजिव की हैजर्ड कैटेगरी कितनी है? One. है. और सिग्नल वर्ड क्या लिखा होगा इसके ऊपर? वार्निंग। और हैजर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? H 290। वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है? मे बी क्रोजिव टू मेटल्स, ठीक हो गया जी। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक केमिकल देखा था, वो मैं अभी आपको पहले मैं खुद से कंफर्म कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर गालबन ये जो शीट है ये बनी हुई थी। नहीं बनी हुई किसी केमिकल के ऊपर हमारे यहाँ कोई शीट नहीं बनी हुई, एक्चुअली बनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है हमारे यहाँ जितने भी केमिकल्स हैं। शायद जी वहां से बॉटल उठा के वापिस आ गए, ठीक हो गया जी। तो ये जो शीट है ना ये उसके ऊपर लाजमी होनी चाहिए केमिकल्स के ऊपर। इस शीट के अकॉर्डिंग जो क्रोसिव एलिमेंट्स हैं उनको हम एक जगह पर रखेंगे, जो फ्लेमेबल्स हैं उनको एक दूसरी जगह पर रखेंगे, जो इरिटेटिंग हैं उनको एक तीसरी जगह पर रखेंगे, तो इन तमाम को हम सेपरेट सेपरेट रखेंगे, ठीक हो गया ना। ओके सर, सर अगर मैं कह रहा था अगर एक बोतल पे दो डिफरेंट सिंबल बने हुए, दैट मींस कि उसको दोनों ही दोनों के हवाले से आपने केयर करनी है उसकी। सर वो शीट कौन सी ली? वो शीट लगेंगे ना उसके ऊपर इस तरीके की, एक्चुअली शीट्स का वो तो अपना शीट का वो तो सेम है ना, शीट तो एक ही तरह की है ना, बस फॉर एग्जाम्पल किसी एक के ऊपर ये दो साइन बने हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी का भी बना है, क्रोसिव का भी बना है, तो उसके ऊपर एक शीट लगेगी ये वाली और एक शीट लगेगी ये वाली, yes, ये दोनों शीट उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। ये जो इसके अंदर नंबरिंग दी हुई है P264, P321, P405, ये जो नंबरिंग है एक्चुअली इनकी मैं बात आपसे कर रहा था, ये जो नंबरिंग है ये ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत ये नंबरिंग है, ये कोई भी केमिकल है उसके ऊपर ये सेम नंबर होगा,
ठीक हो गया ना, तो उसको आपने क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया इनके मुतालिक, तो इसलिए हमारे यहाँ इसकी एहतियात कम की जाती है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर कोई भी लैब है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये तो इनकी स्टोरेज के हवाले से बात हो गई। एस डी एस हम बनाएंगे, पहले उनकी एस डी एस बनाने के बाद उसको हम प्रॉपर जगह पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेबलिंग के लिए भी उसी तरीके का जैसे मैंने आपको पहले बताया, पिक्टोग्राम्स है लेबलिंग के लिए, पिक्टोग्राम्स के अलावा एस डी एस है, दो चीजें हैं जिसके साथ आपने उसको लेबल करना है। आपको ये जो ये सारी आप आ गई, ये जो है इनका जो आप कह सकते हो नाम है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था, जो कोड्स हैं वो ये कोड्स हैं एक्चुअली। तो इधर से कोड्स आप देखते हो, कोड्स देखने के बाद आगे उसकी आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है या किस लेवल की इसमें प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक हो गया जी, समझ आ गया ना बात। तो ये जो एस टी एस है और ये जो अपना दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो आपने इसके ऊपर बॉटल के ऊपर लिखना है, ये दोनों के ऊपर मोस्टली सेम चीजें होती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। इसके अलावा यही जो इंफॉर्मेशन है ये हम एक लैब के अंदर, एक हमारे पास रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं और वो रजिस्टर सेव करके रखा जाता है ताकि हमें पता हो कि किस जगह के ऊपर कौन सा केमिकल पड़ा है और उसका हैजर्ड लेवल कितना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक यहाँ पे और चीज है, एक होती है हम जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पीपीई। पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। पीपीई का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब उसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि लैब के अंदर जब भी आपने काम करना है तो ये इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर गॉगल्स हैं, उसके अंदर आपके प्रॉपर जो है ना वो क्लॉथ्स हैं, उसके अंदर अगर आप कहीं फ्यूमेबल्स ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स ज्यादा है तो आपने आपके पास मास्क भी होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड मास्क भी होना चाहिए। किसी आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे स्प्लैश उड़ने के चांसेस हैं तो वहां पे आपने बॉडी को प्रॉपरली कवर करके रखना है। ठीक हो गया ना, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सारे जो ना आपके पास, अगर कोई आप कहीं पे ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कि हाइट पे है तो वहां पे आपने अपने आप को प्रॉपरली बेल्ट आपने लगा के रखनी है ताकि कहीं आप नीचे गिर ना जाए। ऐसे ही आपने सेफ्टी बूट्स पहन के रखने होते हैं, क्लोज आपके प्रॉपरली होने चाहिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, सनस्क्रीन आपके पास होनी चाहिए, हेलमेट्स आपने लगाया हो अगर चाहिए तो। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आप काम करेंगे आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाए, अगर कहीं लैब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई रिस्क हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है वो स्पिल हो गया, तो अब उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले जो है एक रजिस्टर बना होता है हर लैब के अंदर, जिसको हम जो है ना जिसका नाम होता है हैजर्ड रिस्क, अपना हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर, ठीक है जी। तो उसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसिडेंट हो गया ऐसा तो उस इंसिडेंट के लिए उसके अंदर आपने वहां पे आपने उसको प्रॉपरली वहां पे नोट करना है रजिस्टर के अंदर वो इंसिडेंट। नोट करने के बाद उसको आपने जैसे मैनेज करना है प्रॉपरली, आपने मैनेज करने के बाद उसका प्रोसीजर लिखना है कि आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया आपने उसके लिए, कि आपने कोई फैन चालू किया ताकि फ्यूम्स बाहर निकल जाए, या उसके लिए आपने उसको कैसे आपने ग्रैब किया, सफाई ग्रैब कैसे करवाई, तो सारी चीजें आपने उस रजिस्टर के अंदर लिखनी होती है। ठीक हो गया जी। तो ये तभी आप ऐसा कर पाएंगे अगर आपको पता होगा कि इसका जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका हैजर्ड है कितना एक्चुअली। जब हैजर्ड का पता होगा तभी आप उसको मैनेज करेंगे ना। तो इसके लिए आपको ये एस डी एस शीट का पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने तमाम केमिकल जो है ना तमाम पिक्टोग्राम्स के लिए एक स्पेशल एस डी एस शीट होती है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी मैंने आपको दिखाई भी थी उसमें से कुछ, तो वो आपने अच्छे से याद कर लिया। चार चीजें होती हैं हर शीट के अंदर, कौन कौन सी होती हैं भला, कौन बताएगा? एक तो डिस्पोजल था, एक तो डिस्पोजल था, उसके बाद तीन पानी के आते हैं,
इनका नंबर था क्या? इसका नंबर एक करके बनाता है। अच्छा हैज़र्ड कैटेगरी था, उसके बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन उसके बाद सिग्नल हैज़र्ड स्टेटमेंट, प्रिवेंशन, रिस्पांस, स्टोरेज और डिस्पोजल। तो ये चार चीजें होनी चाहिए, ठीक हो गया जी? Yes, इसी तरीके से जब आपने इन्हीं केमिकल्स को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने के लिए भी आपने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज करने हैं। उसके लिए उनको प्रॉपरली कंटेनर में बंद होना चाहिए, ठीक है जी? उनको सेपरेटली आपने सेव करना है। उसके लिए अगर फ्यूमेबल्स हैं तो उसमें ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें से फ्यूमेबल बाहर जाना हो, गायब ना हो। आपने उस प्रॉपर कंटेनर के बाहर जो लेबल लगाना है उसके मतलब इस लेबल इसके अंदर है क्या, उसके लिए हम ये GHS सिस्टम यूज करते हैं ग्लोबली। GHS किस चीज का एब्रिविएशन है? अभी मैंने बताया ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग इसका हम उसके ऊपर नंबरिंग लगाते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, उसकी पिक्टोग्राम्स ऐड करते हैं और उसकी SDS जो शीट्स हैं वो हम ऐड करते हैं, ठीक हो गया ना? तो वो उसके लिए हमें जो है ये क्यों एक्चुअली हमें चाहिए क्यों ये जो सिस्टम है, ताकि हम रेगुलेटरी जी जी आवाज आ रही है बेटा? ओके, तो ये जो सिस्टम है ये हमें चाहिए क्यों? ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम अगर रेगुलेटरी एफिशिएंसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कंप्लायंस को इजी करना चाहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, हैज़र्ड इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं।